हरे कृष्णा और राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू नित कृषि क्रिएशन। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही खूबसूरत सी पोशाक बनाएंगे। तो हमने पोशाक 5 नंबर ठाकुर जी के लिए बनाई है, हमेशा 4 नंबर को ही पहना सकते हैं। तो देखिए कुछ इस प्रकार से पहनाएंगे ठाकुर जी के लिए। तो हम पीछे की साइड में स्ट्रेप को इस तरह से फोल्ड करेंगे, इस तरह से नॉट लगाते हुए पोशाक को हम पहनाएंगे ठाकुर जी के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब पोशाक को हम बनाना स्टार्ट करें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमने ये फैब्रिक लिया हुआ है। तो ये हमारा कॉटन सिल्क फैब्रिक है, इसकी चौड़ाई 5.5 इंच। हमने फैब्रिक को डबल करके रखा हुआ है और लंबाई देखिए इसकी यहाँ पे 23.5 इंच है। तो हमारे इस तरह से हमने इसे डबल करके रखा हुआ और सेम साइज़ के इसका हमने लाइनिंग लिया। तो लाइनिंग हमारे पर मैचिंग करी तो हम व्हाइट कलर का लाइनिंग लगाएंगे और लाइनिंग को मेन फैब्रिक के ऊपर, जो हमने मेन फैब्रिक है उसके ऊपर उल्टा फैब्रिक को रखते हुए उसके ऊपर लाइनिंग रखेंगे। इस प्रकार से हम तीनों साइड से इसे स्टिच कर लेंगे। देखिए इस तरह से हम तीनों साइड स्टिच कर लेंगे। अच्छे से यहाँ पे सेट करते हुए इसे स्टिच कर लिया है हमने। अब इसे हम सीधा करेंगे इस प्रकार से, अच्छे से कॉर्नर को निकालते हुए। तो देखिए कोनों को अच्छे से निकाल लिया है हमने। आपने इस पर हल्की सी प्रेस लगाई क्योंकि फोल्ड सीधा कर रहे थे तो अच्छे से इसके किनारे सेट नहीं हो रही थी, तो स्टिच करने में थोड़ी सी परेशानी आती। तो हमने इस पर कॉटन लेस ली हुई, देखिए इस तरह से हम लेस को, हमारे पास पतली लेस है तो यहाँ पर डबल करके इस प्रकार से लगाएंगे, इससे हमारा बॉर्डर चौड़ा सा बन जाएगा तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो इस प्रकार से रखते हुए हम इसे स्टिच कर लेंगे। तो देखिए यहाँ स्टिच किया है, तो हमने लेस को कट किया है अंदर की साइड फोल्ड करते हुए, डबल सिलाई लगाते हुए इसे स्टिच करना है आगे पीछे करते हुए। और सेम इसी प्रकार से हम दूसरे वाली लेस को रखेंगे, फोल्ड करते हुए इसको स्टिच कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे स्टिच हो गया, लेस को कट करके हमने अंदर की साइड में फोल्ड कर दिया है। अब यहाँ पर हमें लेस की दोनों साइड पर और एक एक सिलाई लगानी जिससे कि अच्छे से फिनिशिंग के साथ सेट हो जाएगी। तो हमने यहाँ सिलाई लगा दी है और ऊपर की साइड में भी यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। देखिए इस तरह से स्टिच करेंगे, जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको बाहर के साइड पर अच्छे से सेट करते हुए इसे स्टिच कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने इसे स्टिच कर दिया है। अब हम इसे जो भी इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है उसको हम कट कर लेंगे। अब कट करने के बाद हम घेरा रेडी करेंगे। घेरा रेडी करने के लिए हम यहाँ पे इस प्रकार से देखिए प्लेट्स लगाएंगे। तो प्लेट्स हमें बराबर बराबर लगानी है और नीचे की साइड से अच्छे से फिनिशिंग के साथ देखते हुए दोनों हाथ से पकड़ते हुए प्लेट्स को लगाएंगे। तो चलिए फटाफट से हम घेरे को रेडी कर लेते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम बहुत ही फिनिशिंग के साथ बहुत ही खूबसूरत सी हमारी पोशाक रेडी होगी। ये पोशाक हमने 5 नंबर ठाकुर जी के लिए बनाई है, इसे हम 4 को भी पहना सकते हैं और हम यहाँ पे 6 पे भी पहना सकते हैं। देखिए हमारा घेरा आया है इस प्रकार से, देखिए यहाँ पे हमारा 5.5 इंच में घेरा आया है। अब हमने इस पर हल्की सी प्रेस लगा ली है। प्रेस लगाने के बाद इसको अच्छे से घेरे को रेडी किया, बहुत ही खूबसूरत सी पोशाक लग रही है। अब हम नेफा स्टिच करेंगे। तो नेफा में यहाँ उल्टी साइड से इस प्रकार से रखेंगे और स्टिच कर लेंगे। देखिए इस प्रकार से, अब हमने 1/2 इंच उधर भी एक्स्ट्रा रखा था नेफा का फैब्रिक जो स्ट्रिप ली थी, और 1/2 इंच इस साइड भी एक्स्ट्रा रखा है। देखिए इस प्रकार से अंदर की साइड में से फोल्ड करेंगे और डोरी रखेंगे और फैब्रिक को हम डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से स्टिच करेंगे। देखिए यहाँ पे स्टिच करेंगे तो हम ऊपर भी एक सिंगल लेस लगा देते हैं, इससे बहुत ही खूबसूरत से हमारी पोशाक लगेगी। यहाँ पर हम लेस को बाद में भी स्टिच करते हैं, जो नेफा लगाएंगे उसके साथ भी स्टिच कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर नेफे के साथ ही से स्टिच कर लिया है और मैं थोड़ा सा इधर एक्स्ट्रा है फैब्रिक तो उसे कट कर लेंगे क्योंकि फिर अंदर मोटा सा लगेगा। तो इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे कट करने के बाद। डोरी हमारी यहाँ पे स्टिच नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ की हमें ध्यान रखना है। देखिए ये हमने स्टिच कर लिया है, इसे कट कर लेते हैं लेस को यहाँ पे। तो ये लेस भी कट कर लिया है। अब हम यहाँ नीचे पीछे की साइड में एक वेलक्रो स्टिच करेंगे। मैं यहाँ पे एक ही कर रही हूँ, आप दो भी ऊपर की साइड भी एक कर सकते हो। तो देखिए इस प्रकार से वेलक्रो हम एक सीधी साइड में दूसरी उल्टी साइड में इस प्रकार रखते हुए वेलक्रो को हमने स्टिच कर लिया है। तो हमारा ये घेर रेडी हो गया है। अब देखिए यहाँ पे हमने टॉप के लिए फैब्रिक लिया है, तो 1.5 इंच इसकी चौड़ाई है और 12.5 इंच इसकी लंबाई है। देखिए इस प्रकार से उल्टी उल्टा करके फैब्रिक लेंगे, सीधा हम अंदर के साइड में रखेंगे, इसे फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे इसको। तो देखिए हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है, इसे हम सीधा करेंगे। सीधा करने के लिए आप कुछ भी ले सकते हैं, पेंसिल, पेचकस, कुछ भी। मैंने यहाँ पर सीधर से ही इसे इस प्रकार से सीधा कर लिया है। अच्छे से इस तरह से दबा के इसे सेट करेंगे और इसके ऊपर एक सिंगल लेस इस तरह से रखेंगे। हम यहाँ पर सिंगल ही लेस करेंगे, हम जैसे हमने उसमें डबल किया है तो हम यहाँ पर सिंगल स्टिच करेंगे इस प्रकार से। देखिए ये स्टिच कर लिया है हमने, इसमें देखिए धागे निकल रहा है, उसे हम कट कर लेंगे। इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे सेंटर से इस प्रकार से, उसे सेंटर से हम यहाँ पे कट कर देंगे। देखिए यहाँ पे कट हो गया है। अब हम देखिए इस तरह से सीधा सीधा मिलाएंगे, इस प्रकार रखेंगे इसको। और हमारे ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा निकल रहा है, इसे भी सेट कर लेते हैं इस तरह से सीधा रखते हुए। अब इस देखिए हम यहाँ पर 2.25 इंच तक सिलाई लगाएंगे। देखिए हमें यहाँ पे नीचे की साइड से थोड़ा सा 1/2 इंच का मार्जिन दबाते हुए ऊपर की साइड में बिल्कुल किनारे तक सिलाई लाते हुए इस तरह से डबल सिलाई लगाते हुए स्टिच कर लेंगे। अब हम यहाँ पे घेर को ले लेंगे, घेर पे सेंटर पे मार्क लगाएंगे इस तरह से। सेंटर मार्क करने के बाद टॉप पार्ट को इस प्रकार रखेंगे और सेंटर से सेंटर को मिलाएंगे टॉप पार्ट को। नीचे हम अच्छे से देखेंगे कि टॉप पार्ट का फैब्रिक थोड़े नीचे की साइड में जाना चाहिए। उस तरह से डबल सिलाई लगाते हुए इस घेर को हम स्टिच कर लेंगे। तो देखिए पोशाक हमारी इस प्रकार से रेडी हो गई है। अब हम यहाँ पे कैप बनाएंगे। तो कैप के लिए हमने 3.5 इंच चौड़ाई और 9 इंच लंबाई, 9.5 इंच लंबाई का फैब्रिक लिया है।
इस तरह से सीधा अंदर की साइड बनाए, इस तरह फोल्ड करते हुए इसको स्टिच करके हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। देखिए हमने यहाँ पे इसे सीधा कर दिया है और किनारे पे इस तरह से लेस रखेंगे। यहाँ पे हमें डबल लेस रखनी है, जैसे हमने घेरे के नीचे में रखी उस प्रकार से लेस रखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम इस तरीके से इसको रखेंगे और यहाँ पे हमें अपने गोपाल जी के सिर से इस तरह से मेज़र करते हुए, उनको सिर पर पहनाते हुए, चारों तरफ से नापते हुए उसको जितना भी एक्स्ट्रा आएगा उसको अंदर की साइड में फोल्ड कर देंगे और इसे हमें स्टिच कर देंगे इस प्रकार से। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमने स्टिच कर लिया इसको, ये हमारी पगड़ी रेडी हो गई, बहुत ही प्यारी सी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे।